Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका इन BCN News पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। वैश्विक दबाव के बीच बजट के दिन घरेलू बाजार ने सतर्क शुरुआत की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की शुरुआत लगभग स्थिर रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में नया बजट पेश करने वाली है। वहीं RBI के एक्शन के बाद पेटीएम का शेयर खुलते ही धड़ाम हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाला मामले में बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ED ने अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। कॉन्ट्रैक्टर अनिल अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में कल से लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर भी तेजी से बर्फबारी हो रही है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके लगे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार कच्छ में सुबह 8:06 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने कल व्यास का तहखाना में पूजा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही है। परिचालन में देरी की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिरोमणि अकाली दल निकालेगी पंजाब बचाओ यात्रा, अटारी बोर्ड से होगी शुरुआत। अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह यात्रा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की हकीकत उजागर करेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सभी आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। संसद की सुरक्षा में सेन लगाने के लिए आरोपियों को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि इस दौरान आरोपियों ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन से संबंधित अयोग्यता याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला 15 फरवरी तक सुना दिया जाएगा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठाओं को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की मसौदा अधिसूचना को बुधवार से लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की तो वह 10 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब कई और नेताओं की गिरफ्तारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से रांची में बीती रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज गुरुवार को मुंबई के शरद पवार के पोते रोहित पवार के लिए मुश्किल भरा दिन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को एक बार फिर एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का अध्यक्ष चुना गया है। माना जा रहा है कि इस साल होने वाले ICC अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी जय शाह रेस में सबसे आगे है। जय शाह पिछले करीब 3 साल से BCCI के सेक्रेटरी है और उनकी अनुवायिक में बोर्ड में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रशांत वर्मा के डायरेक्टर में बनी हनुमान ने रिलीज के साथ ही इतिहास रच दिया था। फिल्म में मेकर्स ने नए कलाकारों को कास्ट किया था, इसके बावजूद उसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। वही प्रभास जैसे बड़े सुपरस्टार को भी हनुमान ने धोबी पछाड़ दे दिया। तेजा सज्जा की हनुमान ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि अब मेकर्स ने इनका 3D वर्जन रिलीज करने का फैसला किया है।
फिल्म टॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 8वें नंबर पर जा चुकी है। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फाइटर को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू मिले हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत भी की थी, लेकिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसके आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। वही वर्ल्ड वाइड फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। जॉकी श्रॉफ आज अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो इंटीमेट सीन करने से घबराते थे। एक बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी उन्होंने ऐसे सीन की वजह से एक फिल्म करने से इनकार कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए जा रहे अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। ईडी की ओर से पूछताछ के संबंध में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि मुझे ऐसे विषय पर गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया गया जो चीज़ें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसीएन न्यूज़।